और अब बात करते हैं नूह हिंसा की, क्योंकि नूह हिंसा के दोषियों का सही इलाज किया जाएगा, ये बात कही है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने। नूह में झुग्गियों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अनिल विज ने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसका सही तरह से इलाज किया जाएगा, इसी तरह से इलाज किया जाएगा और बुलडोजर भी एक दवाई है। नूह में हमारी पुलिस पूरी तरह से काम कर रही है और अभी तक 102 FIR दर्ज की जा चुकी हैं, 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 80 प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं और अभी हम जिनको हमने गिरफ्तार किया था उनको हमने माननीय न्यायालय के सामने पेश किया था और एक दिन का रिमांड मिला था, तो उनसे पूछताछ की गई है और काफ़ी बड़ी जानकारियां मिली हैं, गिरफ्तारियां अभी और भी होंगी। लेकिन हमारी पुलिस इस सिद्धांत पर काम कर रही है कि एक भी निर्दोष को सजा ना मिले और एक भी दोषी छूटे ना, कोई भी हो चले। इसमें हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और जिसमें जैसे जैसे जो जिसके ऊपर केस बनता है उसका उसको इलाज करेंगे और इलाज में बुलडोजर भी एक दवाई है, वो भी जहां जरूरी होगा हम चलाएंगे। देखिए किसके पास इनपुट थी, किस लेवल की इनपुट थी, किसको बताया गया, हम इसकी जांच कराएंगे। देखिए इतने बड़े मामले हैं बिना जांच के किए नहीं जाते और हमारी सरकार ऐसे काम करती नहीं है, अंधाधुंध काम करती नहीं है, तो उसका मैंने जांच कराने के लिए कह दिया है कि किस स्तर पर इंफॉर्मेशन थी, किसको इंफॉर्मेशन थी, अगर उसको थी तो उसने कहाँ तक बताई, किसको बताई, किस लेवल के अधिकारी को बताई, वो सारी जाँच करनी पड़ेगी। ये जो भिवानी वाले SP जिनको नूह में लगाया गया है वो पीछे काफ़ी 1-2 साल से नूह में रहे हैं और अब क्योंकि नूह के SP सिंगला साहब छुट्टी पर गए हुए थे, जब हादसा हुआ तो तब उनको वहाँ पर बुला लिया गया था, तो अच्छी प्रकार से व्यवस्था हो सके इसलिए उनको ही अब परमानेंट वहाँ का SP लगा दिया गया है। जुम्मेदाराना ये जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं ये दे आर नोन फॉर इट, सारे हिंदुस्तान में ये गैर जुम्मेदाराना बातें करते हैं। कौन सी पुलिस को आपने रोका, कब रोका हमने, वो आए पकड़े, उनका मुजरिम है, हम भी तो जाते हैं बाहरले प्रदेशों से पकड़ने के लिए, सभी सहयोग करते हैं, हम भी सहयोग करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया सहयोग करेंगे, मुख्यमंत्री से बढ़िया भी कोई बड़ा भी कोई मुखिया होता है, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि आइए ना आप पकड़िए, क्यों नहीं पकड़ते क्या लगता है? नहीं अब ये सारा देखो ये राजनीतिक है, पर अब ऐसे मुद्दों के ऊपर लोगों की लाशों के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए।